हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कपड़ा टेक्निकल हुआ। हम आपको बताएंगे हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैक्रोमैक्स का 55 इंच एलईडी टीवी के बारे में, जिसका मॉडल है 55 बिंग बॉक्स। जानेंगे इसकी प्राइस और देखेंगे इसमें क्या क्या मिलता है, तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं बताना चाहूंगा अमेजिंग प्राइस जो आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाना चाहिए। तो चलिए लगे रहिए और चलिए देखते हैं इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें हमें साथ साथ में क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं कुछ इसकी एमआरपी की। एमआरपी यहाँ पे मेंशन किया जाता है 99। बाप रे बाप, बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 99,990, 1 लाख में मात्र 10 रुपये कम। मगर मैं बताऊंगा इसका अमेजिंग प्राइस जो आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाना चाहिए। तो हमने कर लिया इसको अनबॉक्स। साइड में मिलता है आपको एक स्टैंड, बीच में मिलता है आपको वॉल माउंटिंग का स्टैंड और अदर साइड में मिलता है सेकंड साइड का स्टैंड। कुछ ज़्यादा ही लंबा टीवी है। इसका जो वेट है, इसका जो टोटल ओनली टीवी का जो वेट है वो है 18 kg 570 ग्राम, 18 kg 570 ग्राम। और बॉक्स के साथ में अगर इसको नापते हैं हम तो 26 kg 580 ग्राम ये आता है। इतना ज़्यादा इसका वेट है। ये रहा इसका स्टैंड। इस स्टैंड पे आप दोनों लेफ्ट राइट लगा करके आप आराम से इसको असेंबल कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं इसको आराम से अपने टेबल पे और कहीं पे भी। कुछ इस तरीके से हमारा टीवी आता है रैप हो करके थर्मोकॉल में। और पीछे साइड से देख ले तो कुछ इस तरीके से है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको एक साइड कर लेते हैं रैपिंग को और देखते हैं क्या क्या मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए आपको मिलता है AV का कोड, जिसमें 5 पॉइंट रहेंगे जिसमें लगेगा आपको ऑडियो और कुछ वीडियो के लिए। उसके बाद मिलता है मेमोरी के लिए, मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है पेन ड्राइव, 2 पेन ड्राइव का जैक मिलेगा। उसके बाद मिलता है आपको लाइन, लाइन आउट के लिए। PC के लिए मिलता है VGA कोड और PC ऑडियो के लिए मिलता है एक कोड। और साथ में बात करते हैं HDMI के। HDMI 3 कोड आपको मिलते हैं इसमें, HDMI 1, 2, 3 और सबसे लास्ट में मिलता है एंटेना। तो ये रहा कुछ कनेक्टिविटी, यहाँ पे रहते हैं इसके कुछ मॉडल। और अब बात कर लेते हैं पावर कंजम्पशन के बारे में। तो ये आपको लेता है 110 वाट। और वोल्टेज की बात कर ले तो इसमें मिनिमम कम से कम चाहिए 100 वाट से लेकर के मैक्सिमम 240 वाट, उससे ज़्यादा नहीं। और बात कर लेते हैं ऑल ओवर यहाँ पे कीज़ के बारे में। ये मैन्युअली आपको कंट्रोल करने में सहायता देगा जब आपका रिमोट ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं स्पीकर में। स्पीकर आपको मिलता है 12-12 वाट का 2 स्पीकर, जो काफ़ी लाउड साउंड करता है। वो 55 इंच टीवी के लिए काफ़ी अच्छा साउंड करता है। आप एक्सटर्नल बारकोड भी साउंड बार भी लगा सकते हैं। अब फटाफट कर लेते हैं इसको असेंबल। तो इसके साथ में जो हमें मिलता है वो मिलता है 2 स्टैंड, दोनों स्टैंड को प्लग करने के लिए 2-4 स्क्रू मिलते हैं, कुछ कोड मिलते हैं, एक बैटरी मिलता है, 2 बैटरी मिलता है जो आपको रिमोट में लगाना है, कुछ मैनुअल मिलते हैं। इसके साथ में और मिलता है, एक मिलता है वो वॉल माउंटिंग का बॉक्स, वो फिलहाल मैं दिखा नहीं पाया। वो बॉक्स मिलता है, वो वॉल माउंटिंग में काम आएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको टाइट कर देना है दोनों साइड, आपको कुछ इस तरीके से आपको प्लग कर लेना है। यहाँ पे एक रहता है लॉक, जो लॉक आपको वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएगा। इसको आप आराम से इस तरह से देख करके आप उसको लगा सकते हैं नॉर्मली। इस तरह से लगाने के बाद दोनों स्क्रू टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद ये लॉक हो जाएगा पूरी तरीके से। स्टैंड लगा देने के बाद कुछ इस तरीके से टीवी स्टैंड में खड़ा हो जाता है। ये रहा कुछ मैक्रोमैक्स का छोटा सा लोगो, जो ऑन होने के बाद सामने से पहला लोगो ये आता है। और ऊपर में देख ले तो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है कैनवस बिंग बॉक्स, छोटा सा चिपका दिया है अपना जो भी इसका मॉडल है, जो भी वो साइड में ऊपर में कॉर्नर में चिपका दिया गया है। तो कुछ ये सब सेटिंग आती है इंग्लिश लैंग्वेज। ये एंड्रॉयड पे बेस नहीं है पर स्मार्ट है, आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और हॉटस्पॉट भी इससे जनरेट कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें दी गई है, थोड़ी बहुत चीज़ें दी गई है, यूट्यूब देख सकते हैं आप जो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल वाले बटन को दबा करके नीला पीला हरा जो करना कर दीजिए, पर लाल नहीं छोड़िएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, हर चीज़ों के बारे में बताता हूँ, कितना मैं आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन में, ज़्यादातर मैं बताता हूँ आपको ऑफलाइन मार्केट में रियल प्राइस में कितना मिल जाना चाहिए, ताकि आपसे दुकानदार ज़्यादा पेमेंट ना ले ले। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो ऐप में जाते हैं, ऐप सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे मिलता है ऐप, माई ऐप। यहाँ पे ऐप में मिलता है आपको PC कास्ट, MI स्क्रीन, ओपेरा TV, ब्राउज़र मिलता है, गेम का कुछ मिलता है और साइड में मिलता है आपको मीडिया। मीडिया में आप क्या होगा, मीडिया में जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पिन ड्राइव होना चाहिए। जब आप पिन ड्राइव प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे पिन ड्राइव शो करेगा। सेटिंग में देख लेते हैं तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आता है वाईफाई का सेटिंग आता है, वायरलेस का सेटिंग आता है, नेटवर्क डिटेक्टिव
हॉटस्पॉट बगल में आता है, एडवांस सेटिंग आता है, लैंग्वेज आता है, टाइम टेबल आता है, सिस्टम अपग्रेड आता है, सिस्टम रीसेट आता है, आप रीसेट भी मार सकते हैं इसको अपने से ही, सारी चीज़ें कर सकते हैं, डिवाइस नेम आता है, क्या वर्जन है क्या वर्जन नहीं है, सारी चीज़ें दिखा दी जाती है। और यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन में दिखाया गया 6.620 अक्षर के कुछ इसमें लिनक्स का कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लिनक्स बोलते हैं इसको। अब बात कर रहे थे API कोड का जो ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा, API कोड या फिर HDMI कोड, जो भी आपको जाना है, VGA कोड जो भी जाना है वो यहाँ पे है। अब देख लेते हैं USB, हम अगर रिमोट से डायरेक्ट जाना चाहें USB में अपने, तो हमें USB का की दबाना है, ऊपर में सबसे की है USB का, वहाँ पे आप चले जाइएगा, वहाँ पे दबाइएगा USB, ये आपको USB के अंदर डाल देगा। वहाँ पे जा करके आप वीडियो, ऐप, पिक्चर, म्यूज़िक, ऑल फाइल, सारी चीज़ खोल सकते हैं। मैं चला जाता हूँ ऑल फाइल में और एक देखता हूँ कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, और प्ले करता हूँ और देखता हूँ इसकी क्वालिटी को। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो ले करके आता रहूँ। और दोस्तों थोड़ा साइज छोटा पड़ गया था यार, जगह नहीं था यार, इसीलिए पूरा टीवी नहीं आ पा रहा, पर मैं कोशिश करूँगा कि पूरी टीवी को मैं अपने कैमरे के फ्रेम में ले करके आऊँ, ट्राई तो कर रहा हूँ। ये रहा इसकी पिक्चर क्वालिटी, और देखिए काफ़ी अच्छा है, जो वीडियो है वो 1080 का चला रहा हूँ इसमें प्ले कर रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छा प्ले हो रहा है, ना फट रहा है ना कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं चैनल का, तो प्रमोशन कर ही दिया है भाई, सब्सक्राइब कर दे भाई। और इस बार थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, मैं ये कह करके और लंबा नहीं बनाना चाहता था, पर मजबूरन मुझे बनाना पड़ा और कहना पड़ा, क्योंकि पहली बार मैंने 9 मिनट का वीडियो डाला है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका पिक्चर क्वालिटी है, साइड से देख लेते हैं तो कहीं से भी आपको नेगेटिव या ब्लर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, पूरी पिक्चर परफेक्ट नज़र आती है। 55 इंच का ये LED TV है मैक्रोमैक्स का, जिसे मिलता है आपको 3 साल की वारंटी। 3 साल तक में आपको अगर कुछ भी डैमेज आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप 3 साल के अंदर में इसको आप रिपेयर करवा सकते हैं कस्टमर केयर के द्वारा, जो भी है वो आपको आराम से मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से पिक्चर क्वालिटी आपने देख लिया, ये सारी चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, तो चलिए फटाफट करते हैं इसका साउंड टेस्टिंग। अब मैं आपको सुनाने वाला हूं LED का रियल साउंड, तो सुनिए और एंजॉय कीजिए। और दोस्तों ऑफलाइन मार्केट में जो प्राइस होना चाहिए वो 48,500 से लेकर के 49,000 तक में ही आपको अवेलेबल हो जाना चाहिए किसी भी ऑफलाइन मार्केट में। इससे ज्यादा पेमेंट ना करें, इससे ज़्यादा पेमेंट कीजिएगा तो आप लॉस में रहिएगा, और इस इतना तक पेमेंट कीजिएगा तो ना तो दुकानदार ना आप दोनों ही लॉस में नहीं रहिएगा, वो भी प्रॉफिट में रहेगा और आप भी प्रॉफिट में रहिएगा। मगर हाँ, आप जब इसे डायरेक्ट कैश में पे कर रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं, तब की मैंने बात की है, ये कैश से या फिर ATM से पूरा पेमेंट करके आप जब इसे खरीद रहे हैं, तब ये आपको 48,500 तक में आपको अवेलेबल हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा पेमेंट ना करें। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक फटाफट करो यार, जल्दी से भाई का चैनल है, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और हिला दो यार, मार्केट को लाल लाल कर दो यार, लाल नहीं यार, लाल तो लाल नहीं करना है, बाकी कोई और कलर कर दो भाई, जो भी तुम्हारे फ़ोन में है लाल को हटा दो, दम दबा के लाल को हटा दो भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये कुछ सामने से इस तरह का लुक था इसका, जो भी था सामने से ये लुक है, और पीछे का साइड मैं दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। और सामने से हमने पूरी तरह से पूरी फ्रेम में इसको लिया है, टीवी को ये सामने से रख के हमने लिया है इसे, बस दोस्तों लाल कर दो यार, लाल हटा दो यार प्लीज़, ये पीछे का लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल पे जो प्राइस बताया जाता है वो ऑनेस्ट प्राइस है, बिकॉज आई एम अ डीलर सो आई टेल यू अबाउट अ प्राइस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।